नमस्कार, बात हिंदुस्तान की में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट जारी है। लगातार एक के बाद एक ट्वीट करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारत सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कश्मीर से धारा 370 के हटाने को आरएसएस की विचारधारा के अनुरूप करार दिया है। इमरान ने मामले को अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी रखा, लेकिन उन्हें वहां भी केवल निराशा हाथ लगी। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने कश्मीर मामले में अमेरिका से मध्यस्थता करने का अनुरोध किया, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान की एक नहीं सुनी और इस मामले में मध्यस्थता करने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में इमरान खान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर बेइज्जती झेलनी पड़ी। वहीं पाकिस्तान की बौखलाहट भारत से संबंध कम करने से ही साफ जाहिर हो जाती है। कश्मीर मुद्दे के बाद पाकिस्तान ने भारत से अपने कई संबंध कम कर लिए हैं, जैसे कि पाकिस्तान ने भारत के बीच चलने वाली ट्रेन समझौता एक्सप्रेस बस सेवा पर रोक लगा दी। तो वहीं पाकिस्तान ने भारत से व्यापारिक रिश्ते भी खत्म कर लिए। भारत की फिल्में भी पाकिस्तान में न चलाने की बात कही है। तमाम ऐसी बातें जिनसे पाकिस्तान ने लगता है अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। लेकिन सवाल अब यह उठता है कि भाई हिंदुस्तान का आंतरिक मामला, तो इस पर पाकिस्तान क्यों बौखला रहा है? अमेरिका ने एक नहीं सुनी, यूएन ने एक नहीं सुनी, ब्रिटेन ने उसकी नहीं सुनी, ओआईसी ने उसकी नहीं सुनी, जबकि ओआईसी खुद मुस्लिम संगठनों का देश है, मुस्लिम देशों का एक संगठन है, वहां भी उसकी बात नहीं सुनी गई। कह दिया गया कि भाई ये भारत का अंदरूनी मामला है, इसमें आपकी एक नहीं सुनी जाएगी। यानी पाकिस्तान के चांटे ही चांटे पड़े हैं और हर किसी ने पाकिस्तान को दुत्कारा है। पाकिस्तान हर तरफ से मुंकी खा रहा है, पाकिस्तान पिट रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी कारगुजारियों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान तमाम जगह पाकिस्तान तमाम जगह अपनी एड़ियां रगड़ रहा है, लेकिन कोई उसकी सुन नहीं रहा। इस वक्त मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशीष कोहली जुड़ गए हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी धन्यवाद आशीष जी। पाकिस्तान बौखला गया है धारा 370 हटने के बाद। हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ भी होता है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर हम जो भी कुछ कानून लागू करते हैं, हटाते हैं नहीं हटाते हैं, उससे जनता राजी होती है नहीं होती है, जनता में खुशी होती है नहीं होती है, ये हमारा अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान को इसकी इतनी बौखलाहट क्यों है? जगह जगह मुंह मार रहा है पाकिस्तान, वहां से पिट पिट कर आ रहा है पाकिस्तान, तमाम जगह से हर कोई उसको बेइज्जत करके भगा रहा है। हर कोई कह रहा है कि भाई ये उसके घर का मामला है हिंदुस्तान के, कि तुम हमारे पास क्यों आ रहे हो, वो तो नहीं आया। बिल्कुल सही कहा आपने। दरअसल पाकिस्तान की हालत हो गई है कि कहीं पे भी अब पाकिस्तान की जो है चल नहीं पा रही है और हर जगह कटोरा लेके जो है भीख मांगता नजर आ रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये हिंदुस्तान का मामला है। हिंदुस्तान का जब मामला है तो पहले पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा कि जो कश्मीर के साथ कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो उसके अंदर पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। और हिंदुस्तान ने ये साफ कर दिया है कि ये कश्मीर का और हिंदुस्तान का मामला है। और अब जब से धारा 370 टूटी है, उसके बाद तो जम्मू कश्मीर के साथ जो भी डिसीजन लिया जा रहा है उसके अंदर पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं। और बौखलाहट आप देख रहे हैं, जो बौखलाहट कश्मीर के नेताओं में भी नहीं है, उससे ज्यादा बौखलाहट जो है पाकिस्तान में देखी जा रही है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान जो लगातार आतंकियों को यहाँ भेजता था, पाकिस्तान लगातार जो नशे की पदार्थ जम्मू कश्मीर में भेजता था, उसकी वो इंडस्ट्री बंद हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी दुकानें बंद हो गई है जी। लेकिन आशीष जी, अब पाकिस्तान को ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि भाई वो हर बार मुंह की खा रहा है, जहां जहां जा रहा है उसे भगाया जा रहा है, उसे धुतकारा जा रहा है, उसे बताया जा रहा है ये उसके घर का मामला है, हम इसमें तुम्हारा साथ नहीं देंगे। बल्कि अमेरिका ने यह भी कह दिया कि पहले अपनी धरती से आतंकवाद बंद करो, उसके बाद दूसरे अन्य मुद्दों पर बात होगी, लेकिन इस पर बात नहीं होगी।
चीन जिसको वो अपनी जमीन दे चुका है वो कह रहा है कि भाई हिंदुस्तान का आंतरिक मामला है, हम इसमें कोई बात नहीं करेंगे। ओआईसी संगठन जो 57 देशों का मुस्लिम संगठन है, मुस्लिम देशों का संगठन है, वो खुद कह रहा है कि हिंदुस्तान के आंतरिक मामले में हम दखल नहीं देंगे। बावजूद इसके पाकिस्तान बौखला रहा है। क्या क्या एक ये कारण भी है कि इमरान खान खुद को जनता की नजरों में बनाए रखना चाहते हैं? इमरान खान चाहते हैं कि जनता के बीच में जो वो विश्वास धोखाधड़ी करके ले आए थे पिछली बार चुनावों में, वो उसको कायम रखें उसी, लेकिन वो कितने लंबे वक्त तक चल पाएगा? बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान की बौखलाहट तो इतनी है कि पाकिस्तान ने धारा 370 टूटने से पहले कई जगहों पर फायरिंग भी शुरू की थी, लेकिन पाकिस्तान को बड़ी मुंह की खानी पड़ी थी। कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान घुसपैठ कर सके और घुसपैठिए भी यहां पर भेजने की कोशिश की जा रही थी, और हमारी फोर्सेज ने उन घुसपैठियों को सीमा पर ही मार दिया था, जिसमें 4 से 5 घुसपैठ ही पाकिस्तानी आर्मी के वो भी मार दिए थे। तो अब ये बुखलाहट है आपके सामने है। जिस तरह से मैंने पहले कहा कि आज आतंकवाद के साथ साथ पाकिस्तान जो है लगातार नशा भी जम्मू कश्मीर के अंदर जो है कोशिश करता है यहाँ पर स्मगलिंग के जरिए नशा भेजने की और जम्मू कश्मीर के युवाओं को नशे के अंदर इन्वॉल्व करने की, तो वो एक इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। चाहे वो जो एक ट्रेड था, ट्रेड चलता था, ट्रेड के अंदर भी कई सारी चीजें एनआईए की तरफ से नकेल कसी गई है, हमारी एजेंसी की तरफ से नकेल कसी गई है, काफी सारे ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जो पाकिस्तान के इशारों पर चलते थे, जिनमें से आपको याद होगा इंजीनियर रशीद एक एमएलए रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, और कश्मीर घाटी कि हमेशा ही एंटी इंडिया पास करने वाले, और उनका भी टेरर लिंक्स के साथ जो है कनेक्शन माना गया है, और एनआईए ने भी उनको रिमांड में लिया है, और कई सारे ऐसे अलगाववादियों को भी जो है दिल्ली में जो है अभी फिलहाल नजरबंद किया गया है कि ताकि जो पाकिस्तान के इशारों पर चलने वाले ही अलगाववादी हैं उन पे नकेल कसी जाए। तो पाकिस्तान की बुखलाहट है, एक तरफ से उनका गेटवे जो 370 के चलते जो एक इन्होंने इजी गेटवे बनाया था जिससे वो स्मगलिंग कर सकता था हथियारों की और आतंकियों को भेज सकता था, वो सारा निस्तो नाबूद कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और अब पाकिस्तान को समझना होगा। आशीष, आप खुद घाटी से हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस वक्त कश्मीर के क्या कुछ हालात हैं धारा 370 हटने के बाद, और अब जो स्वतंत्रता दिवस हमारा आने वाला है 15 अगस्त, रक्षाबंधन आने वाला है, इन सब के मद्देनजर जो ढील दी गई है, इसके बाद अब नए कश्मीर में कितनी एक बदली हुई फिजा देखने को मिल रही है? आप वहां से खुद ताल्लुकात रखते हैं इसलिए। आपने, और आज की अगर मैं आपको बात बताऊं, आज का जो ग्राउंड सिचुएशन है, कल ईद बड़े अच्छे तरीके से मनाई गई घाटी के अंदर, और आज की जो ग्राउंड की स्थिति है घाटी के अंदर, आज आपने एक वीडियो भी देखा होगा, सीआरपीएफ के एक ऑफिसर बच्चों के साथ जो है कश्मीर के अंदर क्रिकेट खेल रहे थे, बच्चों के अंदर उत्साह था, और कई सारे लोग जो है बाहर निकल के अपना छोटा मोटा काम काज भी कर रहे हैं, लेकिन एक चीज और है, अब कश्मीर को भी समझ आ गया है कि जो 370 था वो कश्मीर के नेताओं की एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स थी, ना कि उनकी डेवलपमेंट। बिल्कुल, ये वोट बैंक की पॉलिसी थी। अगर कहा जाए कि कल्लू चाट वाले ने मुकेश अंबानी से व्यापारिक रिश्ते खत्म कर दिए, ये कहना नजीर ठीक होगी पाकिस्तान के लिए? शायद आपसे भी यही सवाल, इतना कहना काफी होगा? आशीष कोहली, शायद संपर्क टूट गया है तकनीकी खामी के चलते। चलिए, बात कर रहे थे हम पाकिस्तान की उस बौखलाहट की जो साफ दिखाई दे रही है, कितना लाचार हो गया है पाकिस्तान धारा 370 हटाए जाने के बाद, क्योंकि उसकी जो आतंक की दुकान थी वो बंद होती जा रही है, नशे का कारोबार बंद हो गया है, इमरान खान ने अब आरएसएस पर निशाना साधा है, जब कहीं उसकी सुनी नहीं गई तो अब वो आरएसएस पर निशाना साध रहा है। धारा 370 हटाना आरएसएस की विचारधारा के अनुरूप, ऐसा कहा है इमरान खान ने अपने ट्वीट में। इमरान ने मामले को अंतरराष्ट्रीय मंच पर रखा, अब कहां कहां क्या कुछ कहा गया ये मैं आपको बताता हूं, कितनी उसकी बेइज्जती हुई है हर जगह पर। चीन ने कह दिया कि ये हिंदुस्तान का आंतरिक मामला है, हम नहीं बोलेंगे। ओआईसी देशों ने भी बोल दिया कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये उनके अंदरूनी मामला है। अवधेश सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद। अवधेश सिंह जी, बौखला गया है पाकिस्तान, खासतौर पर इमरान खान, क्योंकि उनकी आतंक की दुकान बंद हो गई, उनके नशे का कारोबार हिंदुस्तान में अब बंद हो गया, क्योंकि पाकिस्तान की कोई सुन नहीं रहा, अंतरराष्ट्रीय मंच पर इतनी बेइज्जती करवा ली पाकिस्तान ने कि आज वो
खुद घिरा हुआ खुद अपने आप को महसूस कर रहा है। जो विश्वास उसने जनता का जीता था चुनावों में, अब जनता उसे दुत्कार रही है। वहीं पाकिस्तान की इतनी महंगाई हो गई है, भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते खत्म कर दिए, कितनी हंसी की बात है। उसकी हैसियत क्या है पाकिस्तान की जो हिंदुस्तान के साथ व्यापारिक रिश्ते खत्म करे? क्या कहेंगे आप उसकी बौखलाहट पर? नहीं, आपकी बात तो सही है कि बौखलाहट है। पहले बात तो सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस तरह का निर्णय और साहसिक निर्णय लिया, जिससे टेक्निकली भी इन लोगों ने ऐसा निर्णय लिया कि जो शायद स्थिर रह जाए जी, परंतु अभी स्थिरता और गैर स्थिरता की बात करना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जब ये अपना कश्मीर आजाद हुआ था, जब देश आजाद हुआ था, उसमें तमाम बातें थी कि अंग्रेज छोड़ के गए तो अंग्रेजों ने रियासत तो छोड़ी नहीं थी, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो पार्ट में बांट करके छोड़ने की कोशिश की थी, तो उसमें तमाम समझौते हुए थे। वहां के राजा हरि सिंह साहब ने जो निर्णय लिया था कि हम हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, परंतु उनके प्रधानमंत्री ने एक दिल्ली समझौता किया था। खैर, ये दूसरी चीज है, ये दूसरी बात है। उस वक्त अंग्रेज थे, अंग्रेज नहीं है। आज आज स्थिति ये है कि हमने जो निर्णय लिया, सरकार ने जो निर्णय लिया 370 हटा, उसमें पाकिस्तान अपने आप को बेहद घिरा हुआ महसूस कर रहा। ऐसे उसने ये कहा कि हम भारत के साथ अपने सारे व्यापारिक रिश्ते खत्म करते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि भारत के ऊपर असर है। कांग्रेस के हेलो जी, लेकिन अवधेश जी, उस वक्त हालात दूसरे थे, अब एक भारत है, एक देश है, एक हिंदुस्तान के अंदर एक राज्य है, एक राज है, एक सरकार है हिंदुस्तान की, और अब कश्मीर में जो हालात उस समय लागू किए गए थे उनको बदल दिया गया है, अब नया कश्मीर बनने की कवायद शुरू हो गई है। हालांकि जल्दबाजी आप ठीक कह रहे हैं, ये वक्त बताएगा। कुछ लोग इसको स्वीकार कर भी रहे हैं, कुछ लोग स्वीकार नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान के अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान को इससे दर्द क्यों हो रहा है, उसकी नसें क्यों फट रही हैं? नहीं, ये तो सच है कि ये हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है। अभी जो हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो उस पोर्शन की बात करते हैं जहाँ हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का राज है, ठीक है, जहाँ जहाँ वो कहते हैं कि हिंदुस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, तो वो हमारा हिस्सा है। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है, इसको किसी पार्टी से कुछ पूछना है समझना ही नहीं चाहिए, और जिन लोगों को इससे दर्द हो रहा है उनको होना नहीं चाहिए। बाकी रहा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है या उनका है, इस पे आने वाले समय में हम अपने हिसाब से निर्णय लेंगे। ठीक है अवधेश जी, इस वक्त हमारे साथ आदर्श अग्रवाल भी जुड़ गए हैं जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आदर्श जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद। और नवीन श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी धन्यवाद। नवीन जी, पहले मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा था, अभी जो पाकिस्तान की बौखलाहट है, पाकिस्तान ने जो व्यापारिक संबंध खत्म कर दिए हैं, क्या कह सकते हैं कि कल्लू चाट वाले ने मुकेश अंबानी से व्यापारिक रिश्ते तोड़ दिए? देखिए, पाकिस्तान की बौखलाहट और खिसियाहट इसलिए है, कहीं ना कहीं कश्मीर का मुद्दा जीवित रखकर पाकिस्तान जो इस्लामिक देश है उनसे वो भीख लेता रहता था, ठीक है, और पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना का अस्तित्व ही भारत विरोध और कश्मीर के मुद्दे को जीवित रखने था। जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ते थे, सारी चीजें होती थी, तो ये वहां पर आतंकियों को भेज के, जो स्वतः इनके द्वारा बनाए गए आतंकी थे, इनके द्वारा उत्पादित आतंकी थे, उनको भेज कर डिस्टर्ब करते रहते थे, और पूरी दुनिया से ये अपनी भीख बटोर के अपने देश को चला रहे थे। आज 370 के मुद्दे को जिस प्रकार से मोदी जी और अमित शाह ने डील किया और समाप्त किया, पूरी दुनिया में एक भी देश इनके पक्ष में नहीं खड़ा हुआ, यहाँ तक कि यूएन नहीं खड़ा हुआ। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस प्रकार पाकिस्तान की बौखलाहट है उनके आर्थिक हितों के नुकसान को लेके, उसी तरह से देश में भी कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जिनको आर्थिक नुकसान है या नहीं ये तो नहीं बहुत कहा जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि हमको राजनीतिक नुकसान होगा, हमारे वोट बैंक की राजनीति का नुकसान होगा। उनके अंदर भी वही बौखलाहट है जो पाकिस्तान और इमरान खान की बौखलाहट है। चलिए ठीक है। आदर्श अग्रवाल है हमारे साथ। आदर्श जी, जो पाकिस्तान की बौखलाहट है, जो व्यापारिक रिश्ते वो खत्म कर रहा है,
रेल रोक दी, बस रोक दी, फिल्मों पर रोक लगा दी, इन तमाम बातों को लेकर जो पाकिस्तान परेशान है, ये कितना जायज है भाई? क्यों परेशान हो रहा है पाकिस्तान? अगर हमारे हिंदुस्तान में कुछ हो रहा है वो हमारा अंदरूनी मामला है, तमाम जगह जा रहा है, क्या इससे देश को भी कोई बड़ा नुकसान होने वाला है? पाकिस्तान से जो संबंध वो खत्म कर रहा है पाकिस्तान खुद से, हमारे देश को उनकी बंदिश है, हमारे देश को क्या नुकसान होगा जी? मैं तो नहीं समझता हूँ कि हमारे देश को नुकसान है, पहली बात। दूसरी बात ये रही कि उनकी बौखलाहट है, जैसा हमारे पूर्व में हमारे मित्र सभी बोल रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान 370 हटने के बाद से जिस तरीके से बौखलाया हुआ है, क्योंकि उनका राजनीति का मैं समझता हूँ एक अंग सा कटता हुआ दिख रहा है उनको, ठीक, ऐसे में बौखलाहट के तौर पर, और जो न्यूज हमने इधर में देखी है कि जैसे जैसे उन्होंने व्यापारिक रिश्ते खत्म किए हैं तो उनके यहाँ महंगाई का दर क्या पहुंच गई है? बिल्कुल बिल्कुल, महंगाई बढ़ गई, 300 रुपए किलो टमाटर, 1 किलो चीनी के लिए घंटों लाइन है, उसके लिए पेट्रोल कहाँ तक पहुंच गया, तो ये तो बौखलाहट है। उनको अगर अपने देश की चिंता होती तो इस टाइप का कदम उनको करते ही नहीं उठाना चाहिए। जी 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 आदर्श जी जी, लेकिन आदर्श जी, क्या जिस तरह से धारा 370 हटाई, पाकिस्तान बौखला गया, तमाम अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी बात रख रहा है, यूएन में बात रखी, ओआईसी में बात रखी, अमेरिका, चीन, श्रीलंका, इंडोनेशिया, तमाम जगह अपनी बात रखी, लेकिन कहीं सुनी नहीं गई, क्या अब वो इसके बाद खुराफात फिर अपनी खुराफात पर आ जाएगा वापस? अगर खुराफात पे आता है तो भारत सक्षम है भाई, भारत हम कहां पीछे हैं? अभी आप देख रहे थे चुनाव के दौरान, अगर वो एक हिमाकत करने की कोशिश करेगा तो भारत उनसे, मैं समझता हूँ कि 100% आगे हैं हम, बिल्कुल, और वो इतना बड़ा दुस्साहस करने का उसके पास कोई भी जतन मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए। न्यूक्लियर की बात कर लेता है पाकिस्तान बार बार, अंत में आकर उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, डर दिखाता है न्यूक्लियर का। नहीं, आई एम नॉट क्लियर, क्या कहा आपने? प्लीज एक बार, एटॉमिक पावर है, परमाणु शक्ति हमारे पास। देखिए, एक चीज किसी चीज को लेकर के डराना और किसी चीज को इंप्लीमेंट करना, लागू करना बहुत बड़ी बात होती है। अगर उनके पास परमाणु है तो क्या परमाणु केवल विश्व में केवल उन्हीं के पास है? क्या हमारे पास नहीं है और देशों के पास नहीं है? उनके उनके ऊपर भी तो कोई ना कोई, यूएनओ है हमारा, यूएस है, बहुत सारी चीजें हैं ना। बिल्कुल सही कहा, लागू करना अलग बात है। जी नवीन जी, लागू कर जी नवीन जी, अब जो धारा 370 हटाई गई है, इसके बाद पाकिस्तान जिस तरह से इधर उधर भाग रहा है, हर जगह से बिजती करके वापस अपने वतन आ रहा है, हमारे हमारे समझौते खत्म कर दिए, व्यापारिक जो संबंध खत्म कर दिए, रेल बंद कर दी, ट्रेन बंद कर दी, फिल्में बंद कर दी, इससे आपको नहीं लगता पाकिस्तान खुद अपना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, खुद फंसता जा रहा है, वो वहां की जनता के बीच में है, वहां के इमरान खान अपना विश्वास खो रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से चाहे भारत की जनता हो चाहे पाकिस्तान की जनता, हर देश की जनता शांतिप्रिय है और देश के लोग चाहते हैं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनके हितों के अनुरूप काम करने वाली सरकारें हैं। लेकिन पाकिस्तान में शुरू से आप देखिए, हमेशा वहां पर तानाशाही रही, मिलिट्री तानाशाही रही, और पाकिस्तान की मिलिट्री जो पावर में रही उसका सिर्फ एकमात्र कारण था कि वो कश्मीर मुद्दे को उलझा के रखना चाहते थे, और उसी के आधार पर पूरी विश्व बिरादरी से, इस्लामिक देशों से, अन्य देशों से वो लगातार फंड लेके अपने मौज मस्ती करते थे, पाकिस्तान की जनता कोई लाभ नहीं होता था। आप इसी ने देख लीजिए, पाकिस्तान में इस घटना के 370 हटाने का कहीं कोई विरोध नहीं हुआ, सिर्फ कुछ राजनीतिक दलों द्वारा जो है बयान दिए गए, और इस सच्चाई को पाकिस्तान की जनता के साथ साथ पूरी दुनिया की बिरादरी ने स्वीकार किया कि नहीं, धारा 370 भारत का अपना अंदरूनी मसला था और भारत अपने संविधान के अंतर्गत उसको ठीक किया है, सिवाय उन चंद लोगों को जिन्होंने संसद में खड़े होकर कहा कि यह तो द्विपक्षीय मामला है ही नहीं है, यह तो यूएन में है। कौन लोग हैं वो नाम मेरे लेना उचित नहीं है, ठीक है, लेकिन आज भी उस दल की एक बड़ी नेत्री ने ये लगातार बयान दिया है कि 370 को हटाना ठीक नहीं है। ये तो आप इस तरह की चीजें करके कहीं ना कहीं पाकिस्तान या देश विरोधी ऐसी ताकतें, चलिए ठीक है, ठीक है, अब कुछ कुछ होता है, कुछ नहीं, कुछ स्वीकारते हैं नहीं स्वीकारते हैं वो अलग बात है, हिंदुस्तान का वो भी मसला है, वो भी झेले, वो भी हिंदुस्तान उसको फेस करेगा, हिंदुस्तान की सरकार फेस करेगी, उनमें भी बात होगी आपसी में, लेकिन बाहरी लोगों को दर्द हो रहा है ना।
भानुजी इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ जी कि सरकारें फेस करेंगी। एक बात आप समझ लीजिए कि जो भी चीजें होती हैं, जो भी सरकार से मेरा हमारे अंदरूनी दल, हमारे हिंदुस्तान का ही दल, आपसी जो होता है, जो नियम कानून है उनसे समस्या है। मुझको तो बहुत आश्चर्य है कि जिस प्रकार से ये हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे हैं, ये इतनी अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इनके दल के जो शीर्ष नेतृत्व है, पूरी दुनिया ने देखा कि उन्होंने लोकसभा में किस प्रकार से 370 हटाने का विरोध किया और कहा कि ये द्विपक्षीय नहीं, ये यूएन का मुद्दा है। ठीक है ठीक है नवीन जी और आदर्श जी, ये अलग बात है, ये अलग मुद्दा है, हम उस पर कर चुके थे, लेकिन आज बात पाकिस्तान की हम कर रहे थे और सभी को एकजुट होकर बोलना चाहिए और बोल भी रहे हैं। फिलहाल वक्त हमें इजाजत नहीं देता इस चर्चा को और आगे बढ़ाने के लिए, इसका खेद है मुझे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में आने के लिए। तो बता दें कि पाकिस्तान की बौखलाहट जो है वो अब साफ नजर आने लगी है। ट्वीट कर करके पाकिस्तान बता रहा है कि मुझे कितना दर्द हो रहा है, मैं कितना परेशान हूं आपके इस फैसले से, जबकि यह भारत का अंदरूनी मसला है और हर देश ने उसको बता दिया है, समझा दिया है। फिलहाल बात हिंदुस्तान की, मैं इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।